को इम्प्रूव करने के लिए दोनों हाथों को हिप के नीचे रखते हुए पैरों को आगे छोड़ दीजिए। इसी की वेरिएशन, पैरों को बिल्कुल सीधा आगे छोड़ दीजिए। ये वेरी गुड, क्या बात है, वही बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्षमतानुसार रोकते हैं, 5 4 3 2 1 करते हुए शलभासन की वेरिएशन, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कृतिका बिल्कुल सीधे, हाथ सीधे हैं, उठाइए सारा सांस बढ़ते उठाइए। शलभासन की वेरिएशन पेट के फैट्स को वर्क करने के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, कंधों की मजबूती के लिए, सर्वाइकल के लिए, धीरे से श्वास को छोड़ते हुए एक बार फिर से करेंगे। गहरा सांस, सांस को भरते हुए खींचिए कंधों को ऊपर की तरफ, मैक्सिमम पेट पर दबाव कंधों की मजबूती के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, गर्दन और गर्दन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस आप दोनों हाथों को थाई के नीचे रखते हुए गहरा सांस भरते हुए उठाइए फिर से गर्दन को आगे से, पैरों को पीछे से, बॉडी का बैलेंस रखते हैं जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं। देखिए एल्बोस के सेंटर पे, धीरे से वापस दोनों पैरों को ले लीजिए, हिप के ऊपर पकड़ लीजिए, गहरा सांस भरते खींचे पीछे की तरफ। ये भी फ्रोजन शोल्डर्स के लिए थोड़ा सा खिंचाव, हाथ पैरों की विपरीत दिशा में दबाव पड़ने से ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सांस को गहरा करने के लिए